मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी विवाद को लेकर शनिवार को एक बार फिर अपनी बात रखी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाथ पंथ पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय और संगोष्ठी में उन्होंने ये कहा कि दुर्भाग्य से उस ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ जी हैं। ये विश्वनाथ धाम है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि भारत के लिए 80% एक अभिशाप है। ये न केवल साधना के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इस बात को यदि देश के लोगों ने न समझा होता तो देश गुलाम ना होता। मुख्यमंत्री शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और हिंदुस्तानी अकेडमी उत्तर प्रदेश के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित समृद्ध समाज के निर्माण में नाथ पंथ का अवदान विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। इस मौके पर सीएम ने 3 पुस्तकों और पत्रिकाओं का विमोचन किया। इनमें डॉक्टर पदजा सिंह की नाथ पंथ पर लिखित पुस्तक और महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ शोध पीठ की पत्रिकता कुंडलिया शामिल है। इसके अलावा एक दिव्यांगगंज कैंटीन का उद्घाटन भी हुआ है और इस कैंटीन का संचालन दिव्यांगगंज ही करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आचार्य शंकर जब अपने अघेत ज्ञान से परिणूप होकर आगे की साधना के लिए काशी में आए तो साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। आदिशंकर जब ब्रह्मपुत्र में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो वो सबसे अछूत कहे जाने वाले एक सामान्य अभ्यक्ति के रूप में उनके मार्ग पर खड़े हो जाते। स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह निकलता, हटो मेरे मार्ग से हटो, इस पर सामने से उस सामान्य व्यक्ति के रूप में एक प्रश्न पूछते हैं और आप तो अपने आप को अगीत ज्ञान मार्ग मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रहा है या इस भौतिक काया के अंदर छिपे हुए ब्रह्म को देख रहा है? आइए आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ इस विषय पर क्या कुछ बोलते नजर आए। प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदिशंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो मेरे मार्ग से हटो। यदि ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्मा आपके अंदर, वही ब्रह्मा मेरे अंदर भी है। वही ब्रह्मा सत्य को जानकर यदि आप इस ब्रह्मा को ठुकरा रहे तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान साहित्य नहीं है। यदि शंकर भौचक हैं, उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, इस पर उस सामान्य व्यक्ति ने ये कहा कि जिस ज्ञानवापी की साधना के लिए आप पैरों से चलकर आए हुए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूँ। तब वो उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये भौतिक अस्पृश्यता है जो न केवल साधना के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भी सबसे बड़ी बाधा है। इस बात को यदि देश के लोगों ने समझा होता तो देश गुलाम ना होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से उस ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते, लेकिन वास्तव में ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ जी हैं और संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने की। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।